आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में जानकारी बताएंगे जिसमें आपको डिविडेंड देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम उस कंपनी को देखने के लिए एंजल स्पार्क एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। एंजल स्पार्क एप्लीकेशन पे आने के बाद हमें वॉच लिस्ट पे आना होता है। वॉच लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पे डिविडेंड की वॉच लिस्ट एक बना के रखी है जिसमें सातिया इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को रखा है। यहाँ कंपनी अपने शेयर धारकों को 20 पैसे पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड प्रोवाइड करने जा रही है जिसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 24 फरवरी की रखी है। और इस स्टॉक में अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको 23 फरवरी उससे पहले स्टॉक को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा, तब इस कंपनी में आपको 20 पैसा पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड देखने को मिलने वाला है। इस कंपनी के हम कुछ फंडामेंटल जानकारी देख लेते हैं। तो स्टॉक के ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं, स्टॉक डिटेल के ऊपर देखते हैं और साथ ही फंडामेंटल के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कंपनी जो है एक पेपर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 1174 करोड़ का मेंटेन कर रहा है। स्टॉक ने शानदार 23% का डिविडेंड एक साल में दिया है। सेक्टर में इसने 50% के आसपास का रिटर्न दिया है। मार्केट में इसने 4% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। फंडामेंटल रेशियो की अगर हम बात करें तो पी ई रेशियो इसका 6.7% का देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.89 पे बनी हुई है। साथ ही अगर हम देखें तो कंपनी 0.17% की डिविडेंड यील्ड रखती है। आरओसीई देखें 17.54% मेंटेन किया हुआ है। आरओई 28.03 पे कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र हम डालते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे जो प्रमोटर है इन्होंने दिसंबर सितंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन FII ने अपने यहाँ होल्डिंग में 0.82% की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है और नॉन इंस्टीट्यूशन ने अपनी यहाँ पे 0.81% की होल्डिंग को घटाया है। इस स्टॉक में डिविडेंड लेने के लिए एंजल स्पार्क एप्लीकेशन पे नीचे आपको बाय बटन देखने को मिलती है। इस बाय बटन पे क्लिक करना होता है। जितनी भी क्वांटिटी में आप डिविडेंड लेना चाहते हैं वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। यह कंपनी में अगर हम 100 क्वांटिटी में डिविडेंड लेना चाहते हैं तो इसके लिए 11,765 रुपीज़ हमारे अकाउंट में होना चाहिए, तब हम इसको स्टॉक को डिलीवरी में बाय करके रख सकते हैं। डिलीवरी में बाय करने के बाद हमें स्टॉक 24 फरवरी उसके बाद तक के रखना होगा, तभी हमें इस कंपनी में डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।